Audio Jungle. आप देख रहे हैं गोड्डा ज़ार न्यूज़। आज की मुख्य बड़ी खबर, वुमेन ट्रैफिकिंग की शिकार होने से बची 14 लड़कियां, आरपीएफ ने इन्हें बचाया। महिला तस्कर मीना लातेहार से सभी 14 लड़कियों को हैदराबाद ले जाने के लिए रांची लाई थी। यहां से इन्हें हैदराबाद ले जाना था। इसी दौरान आरपीएफ को रांची रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर 14 लड़कियां संदिग्ध अवस्था में प्रवेश करती दिखी। संदेह होने पर उनसे आरपीएफ ने पूछताछ की और इसकी सूचना टीम नन्हे प्रिंसद एवं अधिकारियों को दी गई। उप निरीक्षक सुनीता तिर्की की टीम और एएसआई डब्ल्यू खान ने सभी को पूछताछ की। 8 नाबालिग लड़कियों एवं 6 बालिक लड़कियों को कोतवाली थाना प्रभारी रांची को सौंप दिया गया है, ताकि इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई की जा सके। अगर आप धनबाद से दिल्ली का सफर करना चाहते हैं तो अब आपके लिए हो गया आसान। नंदन कानन एवं नीलांचल एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी। पुरी से आनंद विहार के बीच चलने वाली नंदन कानन एक्सप्रेस 7 अक्टूबर से चलेगी। पुरी आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस को भी रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। ये ट्रेन 9 अक्टूबर से चलेगी। इन दोनों ट्रेनों के परिचालन होने से ओडिशा और नई दिल्ली के बीच में ठहराव वाले स्टेशन के यात्रियों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि धनबाद के गोमो स्टेशन पर इन दोनों ट्रेनों का ठहराव है। अब धनबाद से दिल्ली का सफर हो गया आसान। पूरी आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। वहीं पर आनंद विहार पूरी नंदन कानन एक्सप्रेस सोमवार, बुधवार, गुरुवार व शनिवार को चलेगी। वहीं पर पूरी आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। आनंद विहार पूरी नीलांचल एक्सप्रेस मंगल, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर या किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कोरोना के साए में ऐसा होगा ड्राइविंग का टेस्ट। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। कोरोना महामारी के बड़े प्रकोप के कारण ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जा रहा था। 6 माह बाद अब ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू हो गया है। परिवहन विभाग द्वारा जल्द DTO और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस पहले की तरह ही बनेंगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान पहले की तरह काफी संख्या में स्लॉट नहीं होंगे, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम संख्या में स्लॉट पर ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात अफसर व कर्मी मास्क पहने रहेंगे, जरूरत के मुताबिक हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल करेंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है। 15 अक्टूबर से झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए शुरू होगी 100 ट्रेनें। कोरोना संकट की वजह से अगर लंबे समय से आप घर से बाहर फंसे हैं तो अब आपके लिए घर जाना आसान हो गया है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 3 राज्यों को जोड़ने वाले 100 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की संख्या बढ़ भी सकती है। हेमंत सोरेन का एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है झारखंड से। 8 अक्टूबर से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल, पाबंदी के साथ दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की मिली है छूट। झारखंड सरकार ने गुरुवार को अनलॉक 5 के तहत दुर्गा पूजा के अलावा धार्मिक स्थलों को खोलने के लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर पड़ने वाले धार्मिक स्थल को 8 अक्टूबर से लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं कुछ पाबंदियों के साथ दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की छूट मिली है। दुर्गा पूजा को छोड़ अन्य धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइंस अलग से जारी किए जाएंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाओं से लेकर सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य हो रहेगा। वहीं सोशल डिस्टेंस का भी पालन हर हाल में करना ही पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उससे सटे इलाके के कम दबाव के कारण ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में बारिश की संभावना है। अगले 3-4 दिनों में ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना बनी हुई है। झारखंड में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट राज्य में 7वें स्थान पर है, जबकि कुल पॉजिटिव 85,397 है। उसमें से 73,302 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य में 736 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों में रांची से 306, बोकारो से 30, छतरा से
3, देवघर से 23, धनबाद से 25, दुमका से 5, पूर्वी सिंहभूम से 67, गढ़वा से 25, गिरिडीह से 12, गोड्डा से 11, गुमला से 21, हजारीबाग से 36, जामताड़ा से 4, खूंटी से 12, कोडरमा से 13, लातेहार से 17, लोहरदगा से 1, पाकुड़ से 17, पलामू से 11, रामगढ़ से 12, साहिबगंज से 14, सरायकेला से 39, सिमडेगा से 9, पश्चिमी सिंहभूम से 23 मरीज मिले हैं। वहीं पर भारत में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटों में 1069 मौतों के साथ वायरस के मरने वालों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। संक्रमितों की संख्या 64,73,543 तक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 79,476 नए मामलों के साथ कुल 9,44,996 सक्रिय मामले हैं, जबकि 54,27,707 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,08,42 लोगों की मौत हो चुकी है।